स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है मोर ऑन एप्लीकेशन ऑफ आर्चमीट प्रिंसिपल जिसमें हम सबसे पहली एप्लीकेशन देखेंगे जो हमें कहता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्चमीट प्रिंसिपल अब हम देखते हैं इसके लिए मैंने एक केस कंसिडर किया जिसमें मैंने क्या लिया है कि एक मेरे पास कॉपर का सब्सटेंस है यानी कि मैंने कॉपर को कंसिडर किया है यहां हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक कॉपर है ठीक है उसका हमने एयर में उसका वेट किया विद द हेल्प ऑफ अ वेट बैलेंस वो हमारे पास कितना आया ट्वेंटी न्यूटन आया ठीक है फिर उसके बाद मैंने उसको पानी के अंदर जब डाला तो हमें पता है कि पानी के अंदर हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो एक्ट करती है और ये फोर्स जो है वो हम हमने हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि वो बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो कि इस पानी का मतलब की इस मटेरियल को अपने अंदर जो है मर्ज नहीं दे रही होती ठीक है ये फ्लूड के गैस में एप्लीकेबल होती है और उसकी वजह से जो पानी का सतह जो है या फिर लेवल जो है वो जितना अबव होगा उतना वो पानी जो है वो बाहर हमने एक पाइप के जरिए निकाली है और ये जो पानी है ये कहलाता है डिस्प्लेस्ड वाटर यानी कि जितना पानी उसने निकाल दिया है ठीक है और जब पानी में आ, पानी के अंदर हमने कॉपर का जब वेट मयर किया तो वो हमारे पास कितना आया टेन न्यूटन आया यानी कि उसने कुछ ना कुछ लॉस किया है सही और यही जो है ये जो इस चीज को एक्सप्लेन करता है हमारे पास आठ प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सरप हम कैसे निकाल सकते हैं इस केस में अगर मैं फॉर एक्जाम्पल ये कहती हूँ कि मेरे पास एयर में जो कॉपर का वेट है वो मैं डब्ल्यू वन कह देती हूँ और जो वाटर में उसका वेट है वो मैं कहती हूँ कि डब्ल्यू टू है जो कि इस केस में आपने

एयर में वो हमारे पास क्योंकि अगर W1 उसका वेट है तो उसका मैथ अगर मैं कहती हूँ कि M1 है और डिस्प्लेस्ड यानी कि पानी के अंदर उसका जो मैस है वो M2 है तो मैं यहां लिख सकती हूँ कि M1 जो है वो मैस ऑफ द कॉपर है इन एयर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर हो जाएगा और कॉपर के लिए मैं सी यू का निशान जो है यह सिम्बल यूज कर रही हूँ और डेंसिटी ऑफ द डिप्लेस वाटर जो है वो भी हमारे पास इसी तरह होगा कि मैस ऑफ द वाटर यानी कि मैस ऑफ द वाटर के लिए अगर मैं एच टू ओ का साइन डाल दू वाटर के लिए और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो होगा वो भी हमारे पास H2 टू होगा ठीक है अब हम देखें ये तो मैंने सिंपली जो है वो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया है यानी कि मैथ पर यूनिट वॉल्यूम तो मैं ये देखती हूँ कि जितना जितना वॉल्यूम मेरे पास कॉपर के मटेरियल का था उतना ही पानी जो है वो डिस्प्लेस्ड हुआ यानी कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उतना उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही जो है कॉपर का वॉल्यूम होगा यानी कि पानी के अंदर तो मैं ये, मैं बहुत आसानी से ये लिख सकती हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ द कॉपर है वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड यानी कि डिस्प्लेस्ड वाटर का जितना वॉल्यूम है वो इक्वल है कॉपर के वॉल्यूम के मतलब के बराबर है ठीक तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये और ये वाली टर्म जो है ये कैंसिल आउट होगी क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि डिवीजन में जो है ये इसके साथ ये भी इससे डिवाइड हो रही है और ये भी इससे डिवाइड हो रही है तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो हमारे पास एम वन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द कॉपर डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर है सही अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों ऊपर न्यूमिनेटर uh, और डिनोमिनेटर में जी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बनती है, है वो बन जाती वेट, यानी कि W का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो क्या होता है हमारे पास इक्वल टू एम जी यानी कि न्यूटन से हम इसको मैयर करते हैं और ये वेट ऑफ द कॉपर हो जाएगा इन एयर और डिवाइडेड बाय द वेट वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर ठीक है ये हमारे पास वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर हो जाएगा अब इसी चीज को अगर मैं आ, अगली अगले पेज पे लिखने की कोशिश करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास जो रेलेटिव डेंसिटी आई है अगर मैं उससे रो से डिनोट करूं यानी कि रेलेटिव डेंसिटी ऑफ द कॉपर डिवाइडेड बाय द रेलेटिव यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि एच टू ओ वो हमारे पास बराबर आई है वेट ऑफ द कॉपर इन एयर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर तो अगर हम देखें कि हमारे पास वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर है वो किसके बराबर है लॉस्ड वेट ऑफ द कॉपर के बराबर है जो कि वो उसमें एयर में जो करते हैं यानी कि अगर मैं इसे लिखूँ तो लॉस ऑफ ऑफ वेट ऑफ कॉपर ऑफ वेट लॉस वेट या फिर इसको इस तरह भी हम देख सकते हैं कि लॉस वेट ऑफ कॉपर इन वाटर लॉस्ट वेट लॉस्ट वेट लॉस्ट वेट ऑफ ऑफ कॉपर इन्वोटर जो है इनवोटर जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है यानी कि वो हमारे पास बराबर होगा W1 वन माइनस डब्ल्यू के W1 वन माइनस डब्ल्यू के और ये ही बेसिकली डिस्प्लेस्ड वाटर का भी वेट होगा और इस चीज़ को हम दोबारा से अगर डायग्राम की मदद से देखें तो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि आप देखें कि यहाँ हमारे पास W1 जो है वो मैथ है जो कि 20 न्यूटन ही कर रहा है ठीक है एयर में और ये जो है W2 जो है वो हमारे पास अ कॉपर का वेट निकल रहा है जो कि वाटर में है और अगर मैं W1 में से W2 टू माइनस करूँ तो मुझे पता चलता है कि वो 10 न्यूटन आता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लॉस्ट वेट है जो कि कॉपर ने किया जब वो पानी के अंदर गया था और यही वाटर जो है ये किसके बराबर होगा डिसप्लेस वाटर यानी कि अगर ये टेन न्यूटन का है ये हमारे पास अगर टेन न्यूटन का है तो टेन न्यूटन प्लस टेन न्यूटन तो हमारे पास ट्वेंटी न्यूटन बन जाता है तो जिसके जरिए मैंने ये जो है इक्वेशन जो है ये लिख दी है यानी कि हमारे पास जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो किसके बराबर है डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू के वेट उसका और यहाँ मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो रो डेंसिटी ऑफ कॉपर है डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मेरे पास किसके बराबर आती है डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इजीली डेंसिटी ऑफ कॉपर निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास क्या आएगी डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू द डेंसिटी ऑफ वाटर तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिसके जरिए हम किसी भी मटेरियल जो कि हमने पानी के अंदर डाला है उसकी डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हमें जैसे कि जिस तरह अगर आप देखें कि तो हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें वाटर पड़ा हुआ है और उसमें आपने कोई भी मटीरियल डाला है तो आप आसानी से आजमीट प्रिंसिपल के जरिए जो है उसके उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप ये बता सकते हैं कि ये जो जो मटीरियल आपने डाला है उसकी क्या डेंसिटी होगी